So in that chapter, mineral and energy resources, you are studying about the non-conventional sources of energy. And today you are studying about the wind power, biogas plant, and the tidal energy. All these sources of non-conventional sources of energy you are going to study. India has great potential of wind power. You are studying about wind power. How wind power is generated? Wind power is generated by the energy of wind. So for this, what is the ideal location? The coastal areas of India is the ideal location. Why? Because in this area, the wind blows without any obstruction. India's total length of coastline is about 7,516.6 kilometers. So India has a lot of potential, to develop wind energy. And the well-developed wind farms are located in Tamil Nadu from Nagarkoil to Madurai. You will see these places on the map. Where is Nagarkoil and where is Madurai in Tamil Nadu? These districts are the coastal districts. They are very close to the coastal area. Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep have important wind farms. All these states are coastal states. Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep, where wind farms have been established. You can see the picture below given here. These are wind fans. These are known as windmills also, and a lot of cluster of this type of windmills are known as wind farm. है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लस्टर होते हैं विंडमिल्स के, तो उसको क्या कहते हैं? विंड फार्म कहते हैं, जो कि इंडिया के कोस्टल साइड में है. बहुत जगह डेवलप है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में, सभी जगह है. लेकिन सबसे बड़ा कहाँ है? तमिलनाडु में नगरकोइल से लेके मदुरई तक. और राजस्थान के जैसलमेर में भी ये वेल डेवलप्ड है. क्यों? क्योंकि वहां पर भी विंड जो है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कंटिन्यूस मैनर में ब्लो करता है. बिकॉज इन डेजर्ट एरिया देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, सो विंड ब्लोज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, दूसरे पॉइंट में आ जाओ, बायोगैस. बायोगैस के लिए मटेरियल क्या क्या है? श्रब्स, shrubs, farm waste, animal and human waste. These are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. यहाँ देख रहे हो, for domestic consumption in rural areas. तो ये commercial basis पे हम utilize नहीं कर सकते हैं. ये कम quantity में निकलता है, ये produce होता है electricity, इसलिए locally use करते हैं. Local household में ऐसे यूज होता है ये, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. लाइट, फैन और कुकिंग, ये सब का प्रॉब्लम सॉल्व होता है एक एक हाउस होल्ड में. और बायोगैस जनरेट करने के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में फिर ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम करते हैं. तो इसका डबल बेनिफिट है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लिए और फिर बायो मैन्यूअल, ऑर्गेनिक मैन्यूअल भी फील्ड के लिए बच जाता है, जो आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर सकते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस व्हिच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू किरोसिन, डंक केक एंड चारकोल. इसका क्या मतलब हुआ कि किरोसिन, डंक केक और चारकोल से जितना एनर्जी मिलता है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मिलता है बायोगैस से. तो ये म्युनिसिपल लेवल पे भी इस्टेब्लिश होता है, कोऑपरेटिव लेवल पर भी, और लोग अपने इंडिविजुअली भी इसको प्लांट को अपने घरों में लगाते हैं. द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट. ये रूरल एरिया में बहुत ही कॉमन है. दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स. अब ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द ट्विन बेनिफिट्स ऑफ गोबर गैस प्लांट, तो तुम क्या लिखोगे बताओ? What are the twin benefits of gobar gas plant?
It improves the quality of manure and prevents the loss of trees in the forest. और ऐसे तो कहें तो तीन तीन बेनिफिट है. पहला तो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है. दूसरी बात ये कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मैनुअल हो जाता है ना. और जो फॉरेस्ट में फायरवुड है जो पहले फ्यूल में काम लाते थे वो भी बच जाता है. तो फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन होता है और मैनुअल भी सप्लाई हो जाता है. एग्रीकल्चरल फील्ड में मैनुअल भी सप्लाई हो जाता है. तो ये सारे बेनिफिट तुम याद रखना कि बायोगैस प्लांट लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग के. सोलर एनर्जी में भी यही बेनिफिट हम लिखवाए थे, देख लेना. और फिर से एक बार शॉर्ट में आप ये देख लो टाइडल एनर्जी. Tidal energy is generated by tapping the water of the tides in the inlets of coastal lands. Inlets, inlets किसको कहते हैं? Coastal area जो broken होते हैं, जहां अंदर तक पानी enter कर जाता है land में, उसको inlet कहते हैं. तो inlet के पास क्या बनाते हैं? Floodgate dams बना देते हैं. High tide के समय water इसमें अंदर आ जाता है और उस वाटर को फ्लड गेट को बंद करके क्लोज करके और उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं. और उस स्टोर्ड वाटर से फिर हम क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. वही है ये, है ना. तो ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स. ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया में ही होता है और टाइड्स एक ओशन मूवमेंट है, ओशन वाटर मूवमेंट है. ओशन वाटर मूवमेंट तीन तरह के होते हैं. एक जो सरफेस पे मूवमेंट होता है उसको वेव्स कहते हैं और एक ओशन करंट होता है और एक टाइड होता है. तो टाइड जो होता है ना वो मून के अट्रैक्शन से होता है, वाटर का लेवल हाई होता है. और कोस्टल एरिया में वाटर हाई टाइड के समय बहुत पाइल अप होता है और इसी वाटर को इस्तेमाल करके और पावर जनरेट करते हैं टर्बाइन के हेल्प से. तो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात जो कि गुजरात के कोस्ट में है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है. और गंजेटिक डेल्टा जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं वहां भी हाई टाइड बहुत आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में भी एक आइडियल कंडीशन बनता है टाइडल एनर्जी जनरेट करने का. ठीक है ना. तो तुमको एक बार हम ये दिखा देना चाहेंगे मैप में कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात किधर है. एक बार तुम्हें फिर याद दिला दें, ये मैप में देखो, ये मैप यहाँ देख लो. दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, दिख रहा है गल्फ ऑफ कच्छ ये, और ये क्या है गल्फ ऑफ खंबात. ठीक है बच्चों, तो अब ना तुम लोग मैप वर्क प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना. मैप वर्क में तुमको थर्मल पावर प्लांट और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है. सारे थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाने हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड बनाना है. तो एक मैप पर किसका कर लो. ठीक है, न्यूक्लियर पावर और थर्मल पावर का एक मैप पर कर लेना और फिर हम दूसरे क्लास में बताएंगे कि आपको और कौन सा करना है.